तो दोस्तों क्या आपके चैनल पे 10, 20, 50 या 100 ज्यादा से ज्यादा 100 व्यूज जाने के बाद आपका व्यूज रुक जाता है? जी हाँ, ऐसा प्रॉब्लम मेरे चैनल पे भी था, लेकिन अभी 5-6 वीडियोस अगर हम बात किया जाए तो हमारा 1K 2K व्यूज आ जाता है सब्सक्राइबर हिसाब से। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर एक बार हमारे चैनल को देखोगे तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे चैनल पे पॉपुलर वीडियो की बात किया जाए तो पॉपुलर वीडियो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर रेगुलर वीडियो की बात किया जाए तो उसमें अभी जो चल रहा है, जो हमने कॉमेडी वीडियो के स्क्रिप्ट कैसे लिखे इस पे वीडियो बनाए, तब से हमारे चैनल पे देख सकते हो 1K 2K 1.5K इस तरह का व्यूज आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर बात किया जाए तो कभी देखिए 300, कभी 100, कभी 150, 78, 135 इस तरह से ही व्यूज आता था। कुछ ऐसा गलती था जो कि मैं अपने चैनल के साथ करता था जिसके कारण मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहा था। तो हमने क्या अपने चैनल पर ऐसा गलती को सुधारा जिससे कि अभी आप रेगुलर व्यूज आ रहा है, तो आप लोगों को हम इस वीडियो हम बताएंगे। उससे पहले चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया DSLR से शूट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, इससे अच्छा होता है कि मोबाइल को फिट करिए स्टैंड पे और शुरू हो जाइए, लेकिन DSLR में फोकस ये सब बहुत कुछ मैटर कर जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि व्यूज नहीं आ रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों हम दो प्रकार के चैनल को इसमें लेंगे, जैसे पहला चैनल टेक कैटेगरी में और दूसरा कॉमेडी कैटेगरी में। दोस्तों टेक की सब बात करते हैं, लेकिन कॉमेडी चैनल पे कैसे व्यूज आए, कैसे ये वायरल हो, ये चीज कोई नहीं बात करता है। तो आज हम दोनों कैटेगरी में बात करेंगे, खासकर कॉमेडी वीडियो चैनल के लिए रिलेटेड खासकर बात करने वाले हैं। तो देखिए टेक कैटेगरी में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जिसको जो बताते हैं कि ये करिए ये करिए ये करिए। तो टेक कैटेगरी में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शॉर्ट में, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों टेक कैटेगरी में आपको बस रेगुलर रहना है, आप जो भी कंटेंट बनाते हो आपके कंटेंट का मुख्य उद्देश्य एक होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी कुछ बना दिए, ये चीज़ नहीं चलेगा। आप जो चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आप फिनांशियल से वीडियोस बनाते हो फिनांशियल से वीडियोस बनाइए। अगर टेक कैटेगरी में कोई जैसे अनबॉक्सिंग करते हैं तो आप अनबॉक्सिंग करिए, मोबाइल रिव्यू करते हैं तो मोबाइल रिव्यू करिए। जैसे हम अभी वीडियोस बनाते हैं हमारे चैनल पर, अगर आप लोग जाके देखेंगे तो हम हमेशा वीडियो बनाते हैं कॉमेडी वीडियो कैसे बनाएं, डबिंग वीडियो कैसे बनाएं, यही सब स्क्रिप्ट रिलेटेड यही चीज़ वीडियो बनाते हैं। देखिए हमने एक बार भी ऐसा किया था कि हम कुछ से कुछ डाल रहे थे, उस वक्त क्या हुआ, मेरे जो रेगुलर व्यूज आ रहे तो वो एकाएक खत्म हो गया, मतलब रेगुलर कंसिस्टेंसी ही खत्म हो गया। तो फिर से हम स्टार्ट कर दिए हमारे चैनल का जो बेसिक मुख्य बातें हैं कि कॉमेडी वीडियो कैसे बनाए, स्क्रिप्ट कैसे बनाए। तो इसके रिलेटेड जब से वीडियो हम रेगुलर बनाते गए हैं तब से देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हो जाके रेगुलर व्यूज भी आ रहा है। तो आपको बस टेक कैटेगरी में रेगुलर वीडियोस बनाते रहना है, बस यही मुख्य तंत्र है। और आप लोगों को पता है कि आप टाइटल डिस्क्रिप्शन इस सब पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो हम ये सब नहीं बताएंगे। और दोस्तों टेक कैटेगरी में अगर हम टैग डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो हम एक ही चीज़ करेंगे। देखिए आपको वीडियो अपलोड करने में टैग कैसे लगाए, ये सब पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आप लोगों को पता भी होगा कि आप कैसे लगा सकते हो। हम एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि टेक कैटेगरी में आपको क्या सेटिंग्स करना है। तो सिंपली हम जैसे हम मोस्ट पॉपुलर वीडियो में यहाँ पर चलते हैं, तो हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो ये वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको बस व्यू मोड पे क्लिक करना है। दोस्तों व्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे मिल जाता है YouTube सर्च टर्म में बहुत सारे यहाँ पे टैग है जो जिससे हमारे चैनल पे सर्च करके व्यूज आया है। तो ये सभी टैग को आपको कॉपी करके आपके डिस्क्रिप्शन में और आपको टैग में लगा ही देना है। बस ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे फर्क पड़ता है, हमें भी पता है, हम करते हैं इसलिए आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा टेक कैटेगरी खत्म हो गया और टेक कैटेगरी में हम बात नहीं करते। अब हम कॉमेडी से रिलेटेड बात करते हैं कि कॉमेडी चैनल को क्या सब करना जरूरी है जिससे कि कॉमेडी चैनल पर रेगुलर व्यूज आता रहे। तो देखिए सबसे पहले आपको कॉमेडी चैनल पे आप 5-10 वीडियो बनाइए, उसके बाद यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो हमने बहुत सारे वीडियोस पहले बना लिए हैं कि जिस पे आपको बताएंगे कैसे स्क्रिप्ट शूटिंग ये सब करना है। अब आप 2-4-5 वीडियो अगर बना लिए हैं तब इस वीडियो को आप लोग देखिए। देखिए आपके वीडियो अगर आप 5-10 वीडियोस बनाए होंगे तो कोई सा भी वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज गया होगा। बहुत ज़्यादा व्यूज से मेरा मतलब है 1-2 हज़ार 2K 5K इस तरह से व्यूज गया होगा। तो आप लोगों को महसूस ये चल गया होगा थोड़ा बहुत कि आपका ऑडियंस किस तरह का वीडियो आपके चैनल पे अपलोड होगा तो वायरल, मतलब ज़्यादा व्यूज आएगा। वायरल नहीं हम यहाँ पे रखते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि आपके चैनल पे किस टाइप के वीडियो अपलोड करने पर आपके वीडियो पे व्यूज़ आ जाता है, तब तो आपके बल्ले बल्ले हैं।
लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता है तो अभी आप वीडियोस बनाइए, हर एक तरह के वीडियोस बनाइए। जैसे कुछ दिन पहले चला था बालवीर पे कॉमेडी वीडियो, पुष्पा पे कॉमेडी वीडियो, जो ट्रेंड आता रहता है। देखिए कॉमेडी चैनल में तो बात यही आ जाता है कि आपको ट्रेंड पे ही हमेशा वीडियो बनाना है, लेकिन फिर भी आपके चैनल पे बेस जो जिस पे ज़्यादा व्यूज आए उस पे आपको काम करते रहना है। ये चीज़ हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको हम एक चैनल को हम दिखाते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे बालवीर कॉमेडी लिखते हैं, तो यहाँ पे एक चैनल आ जाता है एनके राहुल वीडियो आगे। इनके चैनल पे 37,000 करीब सब्सक्राइबर्स हैं, ये भी हमारे सब्सक्राइबर ही हैं। तो आप लोग इनके चैनल पे चलिए, देखिए आपको इनके चैनल पे कितना व्यूज आ रहा है, 200, 400, 700, 800 इतना ही व्यूज आ रहा है। लेकिन कुछ ही दिन पहले चलिए तो यहाँ पे बालवीर पे ये वीडियो बनाए हैं जिसमें 3,62,000 व्यूज है। उससे पहले थोड़ा सा ही पहले चलिए तो यहाँ पे फिर से आपको बालवीर वाला वीडियो पे 3,22,000 व्यूज है। उससे पहले फिर से चलिए तो यहाँ पे आप लोग फिर से कहीं पे होगा बालवीर पे 1 मिलियन व्यूज़ है। तो इनके चैनल पे क्या मांगा है कि बालवीर वीडियो बनाइए। तो ये भाई क्या करते हैं कि हर एक तरह के कंटेंट अपलोड करते हैं जिसमें कि कोई चल भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सब नहीं है चलेगा। यहाँ पे एक हीरो वाला वीडियो है जो कि 2 लाख से प्लस व्यूज़ इनके चैनल पर आ रहा है, हम लोग जैसे कि देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से फॉलो स्टेप करना है कि आपके चैनल पे जिस कैटेगरी में जिस टॉपिक पे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आ रहा है उस पे आपको वीडियोस बनाना ही बनाना है। देखिए आप बोलिएगा कि यहाँ पे बालवीर इन ये भाई बोले थे कि हम बालवीर पे कितना बनाए, बना के थक गए हैं। तो देखिए दोस्तों बालवीर सीरियल आप लोग देखे होंगे जो 2000 प्लस एपिसोड बनाया है, तो वो 2000 प्लस एपिसोड बना सकता है। तो हम लोगों को तो बस छोटा सा एक टॉपिक मिल जाएगा, उस पर हम स्क्रिप्ट बना के वीडियो बना सकते हैं। टीवी में तो बहुत तरह के कुछ होता है तो तब जाके वीडियोस बनता, उनका सीरियल का पार्ट बनता है। लेकिन हम लोगों को कॉमेडी वीडियो थोड़ा सा टॉपिक रहेगा, वीडियोस हम बना सकते हैं अगर आप सोच के देखिए तो इसीलिए आपको हम बोलेंगे जिस टॉपिक पे आपको व्यूज आ रहा है उस टॉपिक पे आपको वीडियोस बनाना है। जब आपका शेयर करके बढ़िया अच्छा क्वालिटी, अगर आप जान रहे हो कि हम बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं और शेयर करके भी हमारा व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपको गूगल एडवर्ड का सहारा लेना है। देखिए आप इतना मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा बहुत पैसा लगा ही सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा लगाइए, हो सकता है कि आपके जो ऑडियंस आपके चैनल पर ना पहुँच पा रहा हो वो ऑडियंस आपके चैनल पर पहुँच जाएंगे तो हो सकता है आपका ग्रोथ बढ़ सकता है। तो लास्ट स्टेप होता है गूगल एडवर्ड, थोड़ा बहुत पैसा लगाइए और हो जाएगा, और अलग वेबसाइट पे मत लगाइएगा, ये चीज़ आपको हम बोल रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।